नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आपको टेक ट्रिक्स चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ा आसानी से अपना ब्रांड लोगो या फिर अपना यूट्यूब चैनल का लोगो कैसे बनाएं। दोस्तों, इस काम करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए, इसमें जैसे मेरा चैनल का लोगो है टेक ट्रिक्स, तो उसमें लिखा हुआ है TRX। देखिए, इस काम करने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, इसमें एक शेप को इंसर्ट कर रहा हूँ। शेप को इंसर्ट करने के बाद उसमें एडिट पे जा रहा हूँ। उसके बाद सबसे फर्स्ट लेटर है टी, उसको टाइप किया मैंने। उसके बाद क्या किया मैंने, इसमें देखिए इसको शेप को नोफिल किया, आउटलाइन को नोफिल किया। उसके बाद इसका टेक्स्ट फिल करना है ब्लैक कलर का। उसके बाद इसको एनलार्ज करना है, जितना आपको चाहिए उतना उतना इसको एनलार्ज करना है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट में एरियल ब्लैक रख रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, उसके बाद इसको क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए उसको। उसके बाद फिर इसको एडिट कीजिए, एडिट करके जो सेकंड लेटर है स्मॉल लेटर आर, उसको टाइप कर लीजिए। उसके बाद उसको उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिए, उसको ग्रीन कलर कर रहा हूँ। उसके बाद उसको प्लेस कर लीजिए इसका लेफ्ट राइट साइड में, टी का राइट साइड में कुछ इस तरह से उसको प्लेस कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद थर्ड जो लेटर है उसको करने के लिए आपको ये करना होगा, इसको आर को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको एडिट कर लीजिए, एक्स थर्ड लेटर है एक्स, उसको ये बहुत बड़ा दिख रहा है और इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं ब्लैक कलर वापस। उसके बाद इसको ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट कर लीजिए। देखिए, मैं इसको यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। ये सेट करने के बाद ये देखिए, मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद एक क्रॉस लाइनिंग डालता है, वो ऐसा है, इंसर्ट पे जाइए शेप पे, उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्लॉक को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस शेप को ऐसे लेना है। उसके बाद उसको पहले सबसे पहले इसको सेट करना होगा, कौन सी एंगल पे आपको उसको लगाना है, उसको सेट करना है, किस एंगल पे लगाना है। ऐसे सेट करने के बाद उसको छोटा करना है, सो दैट ये एक थ्रेड के माफिक दिखे। ये होने के बाद इसको कलर को चेंज करना है, इसको प्योर वाइट कलर देना है इसको कुछ इस तरह से। तो देखने के लिए कुछ ऐसे मिलेगा। और उसके नीचे आपको चैनल का नाम है उसको ये करने के लिए, देखिए इसको हमने बिल्कुल इस साइज़ का ले लिया। साइज़ का लेने के बाद उसको नीचे की तरफ लेके आइए, प्लेस कीजिए उसको। उसके बाद इसके ऊपर एडिट कीजिए और चैनल का नाम है वो इसमें टाइप कीजिए, जो मैं टाइप कर रहा हूँ टिकी ट्रिक्स। उसको कैप्स लॉक में करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक में कर सकते हैं। उसके बाद जितना उसको साइज़ चाहिए उतना उसको एनलार्ज कीजिए। तो इसको भी मैंने इसका कलर चेंज कर रहा हूँ जैसे मेरे चैनल में दिखता है। इसको शेप को ब्लैक कलर में कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपना चैनल का लोगो बनाया। आप भी अपना चैनल का लोगो इस तरह से बड़ा आसानी से सिंपली बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आ गया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।